अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद सादे किचन डायरी में। व्यूवर्स, आप पैन देख रहे होंगे तो इसमें मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है। तो आज आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त होम रेमेडी लेके आई हूँ। बड़ी फ़ायदेमंद है, बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जी। मैं आज बना रही हूँ होम मेड शैम्पू। जाहिर सी बात है, हम लोग जिस तरह की आज हमारी लाइफ हो गई है, हम रोज़ शैम्पू किए बगैर नहीं रह सकते। तो व्यूवर्स, छोटे जब थे हम तो मेरी अम्मी बड़ा यानी कि हमें लगाती होती थी, तो अब मुझे लगता था ये क्या मुसीबत है। व्यूवर्स, मेरे बड़े लंबे बाल होते थे, अब तो खैर मैंने डाई कर कर के और ये तरह तरह के शैम्पू लगा लगा के बेड़ा गर्क किया हुआ है, लेकिन फिर भी चलें कुछ बेटर हैं। तो चलें जी, सबसे पहले ना आप चीज़ें नोट कर लें जो जो हमें चाहिए। ये देखिए व्यूवर्स, ये आंवले हरीठे और शिकाकाई का पाउडर है। मैंने ये पंसारी से जब लेने गई थी मैं, तो मैंने उसको बताया ही नहीं था कि अलग अलग करना है, तो उसने व्यूवर्स इकट्ठे ही पीस दिए तीनों चीज़ें। तो ये जी 4-5 चम्मच हैं, ये देखिए यानी कि सेम वज़न है ये। तो मैंने ये वाले जो खाने के चमचे हैं ना, ये 5 चम्मच लिए हैं। 1.5 लीटर पानी में 5 आंवला हरीठा और शिकाकाई का पाउडर, और प्रोटीन के लिए हम, और जो हमें थोड़ा सा यानी कि स्ट्रॉन्ग करेगा हमारे हेयर्स को और ज़बरदस्त सी एक शाइन आएगी, वो जी ये देखें मस्टर्ड पाउडर है, यानी कि क्या इसको कहते हैं, सरसों के बीज थे, मैंने खुद ही घर पीस लिया। ये वाला 2 चम्मच है, यानी कि मैंने खैर 1.5 चम्मच लिया है, 1.5 चम्मच ये मैंने लिए हैं। ये आपने सरसों लाजमी इसमें डालनी है। और व्यूवर्स, ये 2 जो हैं वो चीज़ें वो ये हैं, ये देखें जी अलसी के बीज, इससे बड़ी ज़्यादा शाइन आएगी और आपके बाल जो है ना स्ट्रेट होंगे। आंवला हरीठा शिकाकाई जो है वो हमारे हेयर्स को ऐसा कर देंगे कि जैसे मतलब बच्चे जब पैदा होते तो नए नए थोड़े से बाल वो होते हैं ना फ्रेश, जब बच्चा 2-3 साल का होता, तो जैसे रिदा के बाल हैं माशाल्लाह, उस तरह के यानी मोटे बाल करेगा और बड़े वर्जन बाल हो जाएंगे हमारे। तो ये देखें जी, ये मैंने अलसी के बीज ले लिए, ये भी 1.5 चम्मच लिया है मैंने, इनको पीसा नहीं है, पीसे बगैर ही मैं इसमें डाल रही हूँ। इनसे बड़ी व्यूवर्स शाइन आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। चूल्हा नीचे से आप ज़रा स्लो ही रखें, क्योंकि इसमें बबल्स बनते हैं, झाग बनती है, जब ये यानी कि आप हिलाते जाएंगे तो झाग ज़्यादा होती जाएगी। व्यूवर्स, जैसे ही आप इस को रख देंगे ठंडा होने के लिए, तो ये जी ये देखें, ये मैं इसमें डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, नहीं डालनी, प्लीज़ कोशिश करें यही आप डालें। मैंने ना ये कोई काफ़ी बड़ा सारा लीव था, आपने देख ही लिया होगा, तो मैंने इसको ले लिया, ये देखिए, और मैं काट के इसमें डाल रही हूँ, इससे बड़ी ज़बरदस्त शाइन आएगी। मैंने ये वही चीज़ें ली हैं जो अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज़ें मैंने ले ली जी। चीज़ें आप नोट कर लें, आंवला हरीठा शिकाकाई इनके 5 चम्मच ले लिए, 1.5 लीटर पानी है, और 1.5 चम्मच मैंने सरसों का लिया है, पीस लिया था, पाउडर बना लिया था, और 1.5 चम्मच ही मैंने अलसी के बीज लिए हैं, और मैंने जितना ये स्पून है ना, ये आप आइडिया लगा लें, इतना मैंने वो जो एलोवेरा का लीव है वो लेके इसमें काट के डाल दिया है। तो व्यूवर्स, हम इसको इतना पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये 1/2 लीटर रह जाएगा। जब ये 1/2 लीटर रह जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूवर्स देखें, हम डेली जैसे हमारी आजकल हो गई है लाइफ, बड़ी बिजी लाइफ हो गई है, हम जी जाते हैं ऑफिस जाते हैं, अब कॉलेज जाते हैं, तो हम सर डेली वॉश करके जाते हैं, तो जो लोग डेली वॉश करते हैं उनके लिए ये शैम्पू बड़ा ज़बरदस्त है, आप इसको लाजमी ट्राई करें। आप मुझे खुद बताएं कि इतने लंबे और इतने ज़बरदस्त आपके बाल हो जाएंगे, इतने प्यारे बाल हो जाएंगे कि आपको कोई शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्यूवर्स आप चाहते हैं कहीं भी आप लोगों ने जाना है, बाल आपके लंबे और अच्छे तो इससे हो जाएंगे, सिल्की शाइनी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पार्टी पे जाना, तो आप कोई भी कंडीशनर साथ यूज़ कर लें, लेकिन हर वक्त नहीं व्यूवर्स। कंडीशनर आपने तभी यूज़ करना है जब आपका यानी कि आपने कहीं जाना हो, कोई पार्टी हो तब, अदरवाइज आपने ऐसे ही यूज़ करना है। तो चलिए व्यूवर्स, मैं आपसे मिलती हूँ कोई 15 से 20 मिनट में, जब ये 1/2 लीटर रह जाएगा, तो मैं फिर आगे की बात आपको फिर बताती हूँ। व्यूवर्स ना, ये देखिए जी, मुझे ना कोई 1/2 घंटा लगा है, 1/2 घंटे में ना मेरा ये शैम्पू बन के रेडी हो चुका है। अभी हम इसको छान लेंगे, और छानने के बाद ना इंशाल्लाह मैं आपको बाकी की बात बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने इतना थिक किया है, ये शैम्पू प्लस कंडीशनर का काम करेगा व्यूवर्स। तो अभी चलें हम छान लेते हैं। व्यूवर्स, ये देखिए जी, ये हमारा ना शैम्पू बन गया है। अब तो मैं अब क्या करूँगी, ये देख सकते हैं आप, छलनी मैंने ली है, और साथ ही मैंने वो लिया है एक खुला सारा बाउल, इसको अच्छे से आप छान लें, क्योंकि अगर आप छानेंगे नहीं व्यूवर्स, तो ये ना हमारे यानी के बालों में ना रह जाएगा शैम्पू, इसके ये जो ज़रात हैं, शिकाकाई, आंवला और
वो जो थी उसको क्या कहते हैं, सरसों और हमारी अलसी, इन सब के ना जो बीज हैं वो इसमें ना वीवर्स रह जाएंगे। तो अगर आपके पास छलनी अच्छी है तो आप एक बार छान लें, अगर आपके पास छलनी अच्छी नहीं है तो आप दो तीन बार ना छान लें। तो देखें वीवर्स, इसको ना वेस्ट नहीं करना, अच्छे से ना ऊपर से आप प्रेस करें। तो यकीन करें ये सारा जो है ना शैम्पू इसमें निकल जाएगा। और ये मैंने 1 वीक का बनाया है, मैं ज़्यादा नहीं बना रही। और इसको व्यूअर्स मैं अभी बता देती हूँ आपने स्टोर कैसे करना है, बस मैं ये छानने का काम कंप्लीट कर लूँ फिर मैं जी आपसे शेयर करती हूँ। अभी व्यूअर्स ये ना हमारा शैम्पू प्लस कंडीशनर बन के रेडी हो चुका है, बड़ा देखें ऑर्गेनिक है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये मेरे पास एक खाली बॉटल पड़ी हुई थी शैम्पू की, तो मैंने उसमें डाल दिया। मैंने चीज़ें फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है, मुझे ये चीज़ें काम में आ जाती हैं। और ये देखें जी ये शैम्पू है हमारा, हम इसी कंटेनर में डाल देंगे। मैं खुद यही यूज़ करती हूँ, हमारे घर वाले जो है ना वो डिफरेंट करते रहते हैं। तो व्यूअर्स देखें ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, इससे ये होता है कि हमारी जो हेयर्स हैं, हमारी स्किन है, वो ख़राब नहीं होती, टोटके किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और व्यूअर्स एक ज़रूरी बात आपको बताना चाह रही हूँ, इसको ना आपने ये 1 वीक की मैंने बना के रखी है, यानी कि जहाँ पे हमारा दूसरे वाला शैम्पू यूज़ होता है 2 चम्मच, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने सर पर लगा रहे हैं, वहाँ पर व्यूअर्स ये वाला शैम्पू ना हमारा 3-4 यानी कि उसका डबल मिकदार यूज़ होगी। तो उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, सर्दियाँ हैं, तो आप इसको बाहर रख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों में आप बना रहे हैं तो फिर व्यूअर्स ये मस्ट है आपने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। और इसमें देखिए आपको कंडीशनर कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना आप कॉइलिंग करने की ज़रूरत है। इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो ऑयल यानी कि ऑयल की कमी को पूरा करेंगी। और व्यूअर्स आपके जो बाल हैं उनको लेंथ और शाइनी सी एक ओरिजिनल शेप में लेके जाएंगे, और ऐसे लगेगा आपके बाल जैसे कि आपने कोई रिबॉन्डिंग कर ली है। देखें ये एकदम से नहीं होता, आस्ते आस्ते 1 महीने बाद आपको इंशाल्लाह इसका सही पता चलेगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा खर्चा हुआ है तो कोई हमारा 100 से भी कम हुआ है, तो आप खुद देख लें कितना नेचुरल, कितना ऑर्गेनिक तरीके से हमारा शैम्पू तैयार हुआ है। आप इसको लाजमी ट्राई करें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्लीज़ झूठ और बेईमानी से बचें। मेरा चैनल सादे किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह नेकबान।